नमस्कार, खबरें जरा हटके में एक बार फिर से आपका स्वागत है और हम बताएंगे कि किस तरह गुलाबी हुआ चीन के मृत सागर का पानी। चीन में इन दिनों प्रसिद्ध खारे पानी की झील पर्यटकों को आकर्षित कर रही है। ये खारे पानी की झील को चीन में डेड सी के नाम से जाना जाता है। आकर्षण की वजह है कि इस झील का पानी जो गुलाबी और हरे रंग का हो गया है। 500 मिलियन साल पुराना यूनचेन लेक का पानी एक ओर हरा और दूसरी तरफ गुलाबी हो गया है। यह प्राकृतिक घटना है जिसे डून लायला सलीना कहते हैं। इस प्रक्रिया में एक तरह का रसायन निकलता है जिसकी वजह से लेक का 120 वर्ग किलोमीटर में फैला पानी गुलाबी और दूसरी तरफ हरा हो गया है। लेक में यह दोनों रंग सालों तक रहेंगे और केवल उस वक्त गायब होंगे जब लेक सूख जाएगा। बता दें कि यूनचेन लेक दुनिया में मौजूद उन 3 सॉल्ट लेक में से एक है जिसमें सोडियम सल्फेट पाया जाता है। इससे पहले नए साल के मौके पर यह लेक गाढ़े लाल रंग का हो गया था। उस बार भी लेक के रंग बदलने का कारण यही था। इस असाधारण नजारे को देखने के लिए हजारों की तादाद में पर्यटक वहां पहुंच रहे हैं। बता दें कि खारा होने के कारण डेड सी में कोई भी बड़ी आसानी से तैर सकता है। माना जाता है कि इस लेक से पिछले 4000 सालों में नमक निकाला जा रहा है और आज भी यहां से नमक निकाला जाता है।